तो वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज एक नया टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में महिलाएं अक्सर पूरे बॉडी में इचिंग की शिकायत करती हैं, उन्हें पूरे बॉडी में इचिंग होती है। तो ये इचिंग किस वजह से होती है, क्यों होती है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आज ये वीडियो इसी के लिए है। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की मदद हो सके। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में बॉडी में अगर आपको इचिंग हो रही है, पूरी बॉडी में, पूरे स्किन पे, छोटे पूरी बॉडी पे महिला को इचिंग होती है, लेकिन उसमें कोई दाने नहीं निकलते हैं, सिर्फ इचिंग बताते हैं वो अंदर से, तो ऐसी कंडीशन में उसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ता है और जैसे जैसे स्किन खींचती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बॉडी खींचती है, तो ड्राई होने लगती है। ड्राई होने की वजह से पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, हल्की हल्की मीठी मीठी सी खुजली पूरी बॉडी में होती है। और कुछ हार्मोनल चेंज हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से आते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में इचिंग होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, वो टेस्ट और कुछ मेडिसिन वगैरह भी आती हैं जो हम लोग देते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी में इचिंग हो रही है तो आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी आप पी सकते हैं, नारियल का के तेल में कपूर मिला के आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल जो आता है वो ले सकते हैं, बर्फ़ की जो सिकाई है बर्फ़ से पूरे बॉडी में, बर्फ़ को एक कपड़े में लेके उससे पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इचिंग ठीक हो जाती है। और पानी बहुत कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली उनको पीना है। लैक्टोकैलामाइन जो का जो लोशन आता है वो भी आप बॉडी में लगा सकते हैं। और खाने में जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे और नींबू पानी पियेंगे, नारियल का पानी पियेंगे, वो भी इचिंग को शांत करने में काम आएगी। और बाकी जो मेडिसिन है वो अगर आप बहुत ज़्यादा इचिंग से परेशान हैं तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये घरेलू उपाय आप करते हैं तो ज़्यादातर समस्याएं इसी से ही सॉल्व हो जाती है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी समस्याएं हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट बेचैन है या कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर द्वारा कुछ टेस्ट जो है, LFT का टेस्ट है, वो एडवाइस किया जाता है करवाने के लिए, और उसके अनुसार फिर दवाई दी जाती है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।